लोगों ने पढ़ा था, केल्विन्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन इन केल्विन्स लॉ, ठीक है। उसके कुछ लिमिटेशंस थे जो हमने पढ़ा था केल्विन्स लॉ। अब आज उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा था एक साइंटिस्ट ने, जिसको कहते हैं मॉडिफिकेशन इन केल्विन्स लॉ। अब देखेंगे हम कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए थे और जो केल्विन का मॉडिफिकेटेड लॉ है वो क्या है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक। मॉडिफिकेशन इन केल्विन्स लॉ, ये क्या है? दो केल्विन द्वारा दिए गए नियम में लाइन के पोल, इंसुलेटर, लाइन इरेक्शन आदि की कॉस्ट कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक। उसमें क्या ये सारी चीज़ें क्या है कॉस्ट, इन सब चीज़ों की केल्विन्स के लॉ में लाइन बिछाने में जो खर्च आ रहा था, ठीक है, उसमें जो पोल, इंसुलेटर और लाइन बिछाने में जो खर्च होता है, ठीक, उसकी जो कॉस्ट होती है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक, क्योंकि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया या साइज बढ़ने पर कंडक्टर का भार भी बढ़ता है, ठीक, क्योंकि जब उसका साइज बढ़ेगा तो कंडक्टर का भार भी बढ़ेगा, ठीक, जिससे पोल, इंसुलेटर आदि पर मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ने के कारण इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब कंडक्टर का एरिया बढ़ेगा तो उसका भार भी बढ़ेगा, और जब भार बढ़ेगा तो भाई फिर हमें पोल और हमें क्रॉस आर्म वगैरह ऐसे चाहिए होंगे जिनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा हो, ठीक। तो जब ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले पोल या इंसुलेटर या क्रॉस आर्म यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो यही बताया गया यहाँ पे, ठीक। केल्विन द्वारा दिए गए नियम में लाइन के पोल, इंसुलेटर और लाइन इरेक्शन आदि की कॉस्ट कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया या साइज बढ़ने पर कंडक्टर का भार भी बढ़ता है, जिससे पोल, इंसुलेटर आदि पर मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ने के कारण इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ठीक। इसके अतिरिक्त लाइन कॉस्ट के कुछ भी ऐसे होते हैं जो कंडक्टर के साइज पर निर्भर नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें अब क्या है उसमें केल्विन के लॉ में, ये सारी पोल के, इंसुलेटर के, इन सब के क्या कॉस्ट जो है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर नहीं करती थी, लेकिन जो मॉडिफिकेटेड लॉ है इसमें करते हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ वे ऐसे हैं जो कंडक्टर के साइज पर निर्भर नहीं करते, जैसे लाइन इरेक्शन में निरीक्षण पर होने वाला खर्च, ठीक, सुपरविजन चार्ज जो होता है या उसका निरीक्षण करने में जो खर्च होता है वो वाला खर्च जो है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करता, ठीक। केल्विन के नियम में जी कैप एक साइंटिस्ट था, उसने मॉडिफिकेशन किया और बताया कि टोटल लाइन इरेक्शन पर आने वाला खर्च को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। तो जी कैप ने केल्विन के नियम में संशोधन करा था और बताया था कि टोटल जो लाइन बिछाने में जो खर्च आता है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग होता है वह कॉस्ट जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करती है, एक वाली कॉस्ट जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद है जो ऐसी कॉस्ट जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के समानुपाती होती है। तो जो टोटल खर्च आता है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक, मॉडिफिकेशन लॉ में। जिस मॉडिफिकेशन किसने करा, जी कैप ने, ठीक। पहला खर्च यह है जो कंडक्टर की जो लाइन बिछाने में जो कॉस्ट आती है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के समानुपाती होती है, ठीक। लाइन बिछाने पर वार्षिक खर्च मान लिया C1 क्या होगा, एक तो वो होगा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के समानुपाती है और दूसरी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करती है, मतलब जो कांस्टेंट कॉस्ट है उसको हमने K0 मान लिया, ठीक। और दूसरी कॉस्ट क्या है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल लॉस के कारण वार्षिक खर्च। ये कौन सी, लाइन बिछाने में जो खर्च आ रहा है वो लाइन बिछाने में जो खर्च आ रहा है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक वह जो क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर नहीं करती है जो कॉस्ट वो K0 मान लिया हमने, और एक वह जो क्रॉस सेक्शन एरिया के समानुपाती होती है उसको हमने K1 मान लिया, ठीक।
उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल लॉस होती है उनके कारण वार्षिक खर्च जो होता है उसको C2 मान लिया हमने, वो क्या होता है वो हमें मालूम है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत क्रमानुपाती होता है, तो इसको हमने मान लिया C2 K2 / K क्या है कॉन्स्टेंट है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो K2 आएगा, ठीक K2 / A आ जाएगा। ठीक, तो टोटल खर्च कितना आएगा, जो टोटल चार्ज है C1 + C2, तो C1 + C2 को जोड़ दिया टोटल खर्च आ गया। ठीक, ये आ गया, ये मॉडिफिकेशन लॉ है। फॉर मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या होगा, वही फॉर मिनिमम कॉस्ट DC / DA = क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे हम, सी का टोटल कॉस्ट का एक ए के रिस्पेक्ट में अपकलन करेंगे, अपकलन करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू ये जीरो हो जाएगी, ये K1 आ जाएगा, ये माइनस का K2 / A² आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा, ठीक है, या फिर A² √K2 / K1। ठीक, ये आ गया, और ये इसका क्या है मॉडिफिकेटेड लॉ का ग्राफ है। ठीक है, ये आ गया, तो फिर केल्विन का मॉडिफिकेशन लॉ क्या क्या कह रहा है ये देखते हैं। अतः केल्विन के मॉडिफिकेटेड नियम के अनुसार, केल्विन के मॉडिफिकेटेड नियम के अनुसार कंडक्टर का सबसे इकोनॉमिकल साइज वह होता है जिसके लिए इलेक्ट्रिकल लॉस के कारण होने वाला वार्षिक खर्च लाइन बिछाने में आने वाले टोटल खर्च पर वार्षिक ब्याज तथा डिप्रेसिएशन कॉस्ट के उस भाग के बराबर होता है जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के समानुपाती होता है। ठीक, तो यह केल्विन का मॉडिफिकेटेड लॉ क्या क्या है, कंडक्टर का सबसे इकोनॉमिकल साइज वह होगा जिसके लिए लाइन लॉस के कारण होने वाला वार्षिक खर्च लाइन बिछाने में आने वाले टोटल खर्च पर वार्षिक ब्याज तथा डिप्रेसिएशन कॉस्ट के उस भाग के बराबर होता है जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के समानुपाती होता है। ठीक, तो ये क्या है हमारा केल्विन का मॉडिफिकेटेड लॉ। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया केल्विन लॉ और केल्विन का मॉडिफिकेशन। ठीक, केल्विन के लॉ में जो मॉडिफिकेशन होता है वो पढ़ लिया। अब इसी से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे बहुविकल्प। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़ना, यह आ सकता है अभी केल्विन का केल्विन के नियम में क्या क्या लिमिटेशन है, तो कोई एक दे देगा और तुम्हें उसको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक, चार ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये दे देगा केल्विन का मॉडिफिकेशन लॉ में, लॉ के अनुसार A² क्या होगा, तो इस कोई भी वैल्यू दे सकता है, ये वाली एक देगा और भी अन्य वैल्यू दे सकता है, तो तुम्हें ये चूज़ करना पड़ेगा। ठीक सर, तो इसी प्रकार आएंगे। तो ये था केल्विन लॉ और उसका मॉडिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर करेक्शन, कैसे पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर में करेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक, तो पावर फैक्टर क्या होता है, किसी एसी सर्किट में वोल्टेज तथा करंट के बीच के कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, क्या होता है, मान लिया कोई वोल्टेज है हमारा, ये वोल्टेज है और यहाँ हमने करंट लिया I। ठीक, वोल्टेज और ये हमारा क्या कोई इंडक्टिव सर्किट है। ठीक, प्योर इंडक्टिव नहीं है लेकिन इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में करंट हमेशा लैग करती है, तो हमने रेफरेंस वैल्यू लिया, हमने रेफरेंस वेक्टर के रूप में लिया हमने V वोल्टेज, और ये क्या है हमारी करंट क्या किसी एंगल फाई से क्या है लैग कर रही है वोल्टेज से। ठीक, तो इन दोनों भी वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा, जो कोण होगा, उसकी कोजिया को या उसके कोसाइन एंगल को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो यही कह रहा है किसी एसी सर्किट में वोल्टेज तथा करंट के बीच के कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, ये वोल्टेज लिया हमने, ये करंट है किसी एंगल फाई से, ये लैग कर रही है करंट,
तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसके कोसाइन एंगल को या फिर उसकी कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, मान लिया हमारे क्या, और हम और देखते हैं कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं पावर फैक्टर को। मान लिया ये पी स्क्वायर, हमें मालूम है पी स्क्वायर टू क्या होता है, बी इंटू आई के बी है। ठीक, ये क्या होती है हमारी अपेरेंट पावर, इसको हमने मान लिया इक्वेशन वन। और पी ए स्क्वायर टू होता है बी बी आई कॉस फाई, इसको लेते हैं किलो किलो वाट में, इसको के बी ए में लेते हैं अपेरेंट पावर को, इसको लेते हैं किलो वाट में। तो ये होती है एक्टिव पावर या रियल पावर। ठीक है, पी ए ये होता है बी आई कॉस फाई, ये कॉस फाई यही पावर फैक्टर होता है। ये तीसरी पावर है पी आर स्क्वायर टू बी आई साइन फाई, इसको लेते हैं के बी ए आर में। ठीक, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया हमने। ठीक, अब इक्वेशन वन का स्क्वायर करा इक्वल टू इक्वेशन टू का स्क्वायर प्लस इक्वेशन थ्री का स्क्वायर। ठीक, हमने ये करा, इसको ऐसे ले लिया, यहाँ से आई बी आई स्क्वायर और बी आई स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको ओपन करा, फिर यहाँ से बी आई स्क्वायर, यहाँ से बी आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये यहाँ पे ये वन हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से, इसका मतलब हमारा क्या होता है के बी ए का स्क्वायर स्क्वल टू किलो वोल्ट किलो वाट का स्क्वायर प्लस के बी ए आर का स्क्वायर। ठीक, तो इसके बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे, अगर हम ये क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे हम इसमें, तो इस तरीके से हमारा एंगल बनेगा ये ट्राइंगल। ठीक, ठीक है, तो के बी ए स्क्वायर स्क्वल टू के डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस के बी ए आर का स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम क्या लेंगे, के डब्ल्यू लेंगे, इसको हम के बी ए आर लेंगे, उसको किलो वोल्ट एम्पियर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है एंगल फाई। तो अगर हम कॉस फाई निकालेंगे तो कॉस फाई क्या आ जाएगा, कॉस फाई स्क्वायर टू के डब्ल्यू अपॉन के बी ए। ठीक, तो ये क्या हमारी रियल पावर और ये क्या है अपेरेंट पावर। तो कॉस फाई को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रियल पावर तथा अपेरेंट पावर के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, रियल पावर और अपेरेंट पावर के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो पावर फैक्टर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लो पावर फैक्टर के कारण, कि क्या क्या कारण हैं, लो पावर फैक्टर होता क्यों है, क्यों इसको इम्प्रूव, भाई इम्प्रूव तभी तो करोगे जब वो लो होगा, बेकार होगा। तो सबसे पहले कारण पढ़ेंगे कि वो लो होता क्यों है। ठीक है, तो लो पावर फैक्टर के कारण पढ़ेंगे हम, इनमें से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पावर फैक्टर, इनमें से पावर फैक्टर का फॉर्मूला कौन सा है, या पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस साइन एंगल होता है या साइन एंगल होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कई सारे इस पर एमसीक्यू। और लो पावर फैक्टर के निम्न में से क्या, कौन सा कारण लो, निम्न में से किस कारण पावर फैक्टर लो होता है, तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तुम्हारे एमसीक्यूज। तो लो पावर फैक्टर का हम कारण पढ़ेंगे पहले, क्या कारण है। तो पहला पढ़ेंगे, ज़्यादातर एसी मोटर इंडक्शन टाइप होते हैं जो लो पावर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। ठीक, जो ज़्यादातर हम मोटर यूज़ करते हैं वो इंडक्शन टाइप होते हैं। ठीक है, इंडक्शन टाइप होते हैं जो क्या करते हैं, लो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैं। इस सबसे मेन कारण हमारा लो पावर फैक्टर का यही है कि जो मोटर यूज़ करते हैं वो इंडक्शन टाइप होते हैं, और वो हमारे क्या करते हैं, लो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैं, जिसका पावर फैक्टर लो लोड पर बहुत कम होता है। ठीक है, जिसका पावर फैक्टर लो लोड पर बहुत कम होता है, कितना होता है, 0.2 से लेकर 0.3 होता है, तथा फुल लोड पर 0.8 से 0.9 तक होता है। ठीक, तो जो इंडक्शन मोटर हम यूज़ करते हैं वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैं, इनका लो लोड पर पावर फैक्टर कम होता है, इतना होता है, और फुल लोड पर 0.8 से 0.9 तक होता है। ठीक, तो पहला कारण हमारा ये है लो पावर फैक्टर का, ये आ सकता है क्वेश्चन के भी इनमें से क्या लो पावर फैक्टर का कारण है, लो लोड पर पावर फैक्टर कितना होता है और फुल लोड पर कितना होता है इंडक्शन मोटर में। ठीक, दूसरा कारण आर्क लैंप, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप और इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाली हीटिंग फर्नेस लो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती हैं। ठीक, तो दूसरा कारण ये है। ठीक, क्या कारण है, जो आर्क लैंप होती है हमारी वह, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप वह, और
जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, फैक्ट्री वगैरह होती हैं, उनमें यूज़ होने वाली जो भट्टियाँ होती हैं हीटिंग, ठीक है, भट्टियाँ होती हैं, तापीय भट्टियाँ होती हैं, वो लो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती हैं। दूसरा कारण ये है पावर फैक्टर के लो होने का, ठीक। तीसरा कारण, पावर सिस्टम पर लोड पूरे दिन बदलता रहता है, ठीक। लोड क्या कांस्टेंट नहीं रहता, अभी कभी हमने एसी चालू कर दी, कभी बंद कर दी, कभी फ्रिज चालू कर दिया, कभी बंद कर दिया, तो क्या हमेशा वेरी करता है लोड, पूरे दिन कांस्टेंट नहीं रहता है। जो मॉर्निंग तथा इवनिंग के टाइम पर हाई होता है, ठीक, और दूसरे समय पर लो होता है, ठीक। लोड क्या मॉर्निंग और इवनिंग पर हाई होता है, दूसरे समय पर लो होता है। लो लोड के समय सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाता है, जिसके कारण मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो जाती है और पावर फैक्टर कम हो जाता है, ठीक। जब लोड क्या होगा, लो होगा तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, जिसके कारण मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी, ठीक, और पावर फैक्टर जिससे कम हो जाता है, ठीक। ये तीसरा कारण था, तो इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है कारण, तो तुम्हें बहुविकल्प में इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या, सब स्टेशन पर यूज़ होने वाले ट्रांसफार्मर भी लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैं। जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो भी इंडक्शन पर काम करते हैं, वो भी हमारे क्या लो, वो भी हमारे क्या होते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैं। तो ये भी हमारा एक कारण है पावर फैक्टर के लो होने का, ठीक है। तो इनमें से कई सारे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, MCQs, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है, उसका फार्मूला पूछ सकता है, और क्या नाम है भाई, लो पावर फैक्टर के कारण पूछ सकता है। एक फार्मूला ये होता है पावर फैक्टर का, cos phi = R/Z, ठीक, जहाँ पर R क्या है रेजिस्टेंस, और Z क्या है इम्पिडेंस। तो ये आ सकता है कि भाई इनमें से पावर फैक्टर का फार्मूला कौन सा, तो या तो ये आएगा या ये आएगा, या फिर वो पूछ लेगा कौन सा एंगल होता है, तो cos sin एंगल होता है, साइन एंगल होता है, या tan phi होता है, क्या होता है, या cot phi होता है, तो पावर फैक्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। ये ट्रायंगल आ सकता है कि भाई ये कुछ नहीं दिया होगा KW, ये कुछ भी नहीं दिया होगा, पूछेगा इनमें से KW कहाँ लोगे और KVR कहाँ लोगे और VA कहाँ लोगे। ये फार्मूला आ सकता है पूछने को कि भाई इनमें से कौन सा फार्मूला सही है, तो ये वाला सही है, या हो सकता है KW यहाँ दे दियो, ये यहाँ दे दियो, ठीक। तो कई सारे फार्मूले बन सकते हैं इस पर भी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, लो पावर फैक्टर की हानियाँ, लो पावर फैक्टर अगर होगा तो इसकी क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, ठीक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सर्किट में पावर की खपत पावर फैक्टर को शॉर्ट में PF बोलते हैं, ठीक है, P और F। सर्किट में पावर की खपत पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। हम जानते हैं P = 3 phase की बात कर रहे हैं तो AC की, तो P = √3 BIL cos phi, ये होता है ना, cos phi क्या पावर फैक्टर, तो cos phi P/√3 BIL. अगर हम इन्हें कांस्टेंट मान लें पावर को और वोल्टेज को, अगर हम कांस्टेंट मान लें, ये तो वैसे कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा IL इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा cos phi। तो अगर हमारा पावर फैक्टर लो होगा, ये दिया ना लो पावर फैक्टर, यहाँ नहीं, अगर पावर फैक्टर लो होगा तो हमारी लाइन करंट बढ़ जाएगी, बस समझ में आई, क्योंकि लाइन करंट क्या होती है पावर फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर पावर फैक्टर लो होगा तो लाइन करंट बढ़ जाएगी, ठीक। तो देखते हैं पावर फैक्टर के क्या क्या हानि है लो पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर कम होने से सबसे पहली हानि है, पावर फैक्टर कम होने से लाइन करंट का मान बढ़ जाता है, ठीक, पता चलेगा कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो लाइन करंट क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी, या पावर फैक्टर को कम करेंगे तो लाइन करंट बढ़ेगी या कम होगी, ठीक। तो इस तरीके से भी तुम्हारे MCQs आ सकते हैं। दूसरा क्या है, लाइन करंट बढ़ने से I²R लॉस बढ़ते हैं। हमें मालूम, अगर लाइन करंट बढ़ेगी तो I²R लॉस बढ़ेंगे लाइन में, ठीक, लाइन लॉसेस बढ़ेंगे। दूसरा हानि हमारी ये है, दूसरा डिसएडवांटेज लो पावर फैक्टर का। तीसरा क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाता है, अर्थात ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला, ठीक, ठीक है। अगर हमारा cos phi r कम होगा यदि phi r का मान ज़्यादा होगा, ठीक, यदि हमारा phi r = क्या होगा 90 degree, तो हमारा cos phi क्या होगा, cos 90 0 होगा, और sin 90 क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो phi r बढ़ने से
साइन फाई आर बढ़ जाएगा, बात समझ में आ गई, तो क्या होगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमारा पावर फैक्टर हमारा क्या होगा कम होगा, पावर फैक्टर अगर हमारा कम होगा तो फाई आर ज़्यादा होगा, जब फाई आर ज़्यादा होगा तो ये अधिक हो जाएगा हमारा, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हानि ये है, और वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम होना चाहिए। चौथी हानि क्या है, ट्रांसमिशन इफ़िशेंसी या सिस्टम की इफ़िशेंसी घट जाती है। जाहिर सी बात है जब लॉसेस बढ़ जाएंगी तो इफ़िशेंसी घट जाएगी, एक ये लो पावर फैक्टर की हानि है। उसके बाद क्या है, हम जानते हैं कि पी इक्वल टू ये होता है, तो इसको हम ऐसे चेंज करते हैं, पी की यूनिट क्या होती है केडब्ल्यू, और इसकी क्या होती है केवीए, और ये कॉस पाई है, तो हमारी कॉस पाई किस पर निर्भर कर रही है, केवीए के व्युत्क्रमानुपाती है, हम ऐसे कर सकते हैं इसको कॉन्स्टेंट माने, तो इसको नीचे ले आएंगे तो कॉस पाई क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केवीए, मतलब केवीए रेटिंग, अगर केवीए हमारे ज़्यादा है तो कॉस पाई कम हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर घटने से मशीन की केवीए रेटिंग बढ़ती है जिससे उसका साइज और कीमत बढ़ जाती है। ठीक, तो पावर फैक्टर अगर हमारा कम होगा तो केवीए रेटिंग क्या होगी बढ़ जाएगी मशीन की, जिससे उसका साइज भी बढ़ जाएगा और कीमत भी बढ़ जाएगी, बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे लो पावर फैक्टर के कारण और लो पावर फैक्टर की हानियाँ। तो हमने देखा कि भाई अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करोगे तो क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। ठीक, लो पावर फैक्टर के क्या क्या हमारे इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और उसके कारण भी हमने पढ़ ली कि किन किन कारणों से पावर फैक्टर लो होता है, और उसकी हानियाँ भी पढ़ ली कि पावर फैक्टर के लो होने की हानियाँ क्या हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट। ठीक, तो हमने देख लिया कि क्या क्या भाई हानियाँ हो सकती हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम कल पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं। ठीक, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो क्या होंगी, ये सारी हानियाँ होंगी। ठीक, इसलिए ये ज़रूरी है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाए। चलिए ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे।